ओम शांति, ओम शांति। और किसी के पास कुछ प्रश्न है तो बताओ। माता जी बताओ। हाँ, देता है ना, देखो। और वो मतलब मेरे एक वो मतलब सुबह बनाया और हो गया है, फिर उसके बाद में शिव बाबा जो है मतलब ऐसा लगा कि मैं योग में बैठी हूँ और बाबा मुझे ऊपर उड़ा रहा है, तो मतलब इससे मुझे मतलब यहाँ रहते ही मुझे इतनी ज्यादा पावर शक्ति आती है। तो अगर भगवान सुनता है ना, देखो प्रैक्टिकल आपके सामने है, भगवान सुनता कि नहीं है, तब का चैतन्य है, जड़ नहीं है, मूर्ति नहीं है। बस आत्मा को आगे बढ़ाना, शरीर को नहीं, शरीर तो यहाँ खत्म हो जाएगा। हाँ, खुशी है, देख लो। हाँ देखो, भगवान सुनता है ना। हाँ और बताओ। हाँ भगवान देखो इनको भी मदद करता है, पढ़ाने भी मदद करता है ना। और बताओ, और मन में कोई प्रश्न है तो बताओ। किसी के ज्ञान क्या, योग क्या, सब बताया, याद कैसे रखना, फिर भी कुछ दुविधा हो, दुविधा नहीं रखना, किसी प्रकार की स्पष्टीकरण दे तो बताओ। क्योंकि मंदिर में जाते थे और अभी इधर जाते हो, तो क्या रोज सुनना चाहिए कि कभी कभी सुनना चाहिए, है ना? तो रोज सुनना चाहिए, रोज दवाई लेना चाहिए कि कभी कभी दवाई लेना चाहिए? दवाई अगर बीमारी जब तक ठीक नहीं हुई तब तक दवाई लेना पड़ेगा ना, कि बीमारी ठीक हो गई, क्रोध चला गया, एक ही एक क्रोध को जीत लो बस, है ना? हिम्मत का एक कदम रखो तो एक सारा दुख खत्म, सारी बीमारियों का कारण क्रोध है, है ना? क्रोध सारे आज कैंसर की बीमारी, हार्ट की बीमारी, सारी बीमारियों का कारण क्रोध। क्रोध आने से पहले मन में गलत चलता है, फिर बाहर आग निकलती है क्रोध के रूप में, तो उसको जीत लो, आपके हाथ में है। उसके लिए दवाई लेनी पड़ती, ज्ञान ध्यान करना है, अपने आप तो नहीं जाएगा, बिना दवाई का किसी की बीमारी मिट गई ऐसा नहीं है, दवाई है, हर एक की दवाई दिया फिर